Assalamualaikum, dear students, आज हम ये आपसे पेपर डिस्कस करेंगे जो CBSE ने इस साल 2019-20 बोर्ड्स के लिए 10th के सैम्पल पेपर्स इशू किए हैं। तो ये हमारे पास 10th का सैम्पल पेपर है। इसमें इस बार CBSE ने दो तरह के पेपर्स लॉन्च किए हैं, एक स्टैंडर्ड पेपर है और एक आपका जो है वो बेसिक पेपर है। पहले जो होता था, पहले जैसे होम साइंस वालों के लिए या नॉन साइंस स्ट्रीम वालों के लिए जो इजी मैथ्स होता था, उस तरह का एक कॉन्सेप्ट लेके आए। बट मेरा पर्सनल सजेशन सब बच्चों को ये है कि सब के सब स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर अटैम्प्ट करें। बेसिक में और स्टैंडर्ड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आज तो हम इस वीडियो में बेसिक क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको दोनों पेपर्स को कंपेयर करके दिखाऊंगा। अगर आप क्वेश्चंस का लेवल देखेंगे तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इवन CBSE अपने आप में कोई सा भी 10th हो या 12th हो, और कोई सा भी सब्जेक्ट हो, CBSE की कोशिश ये रहती है कि 60-70% स्कोर सारे स्टूडेंट्स का होना चाहिए। तो हर पेपर ये एवरेज होता है। कोई भी बच्चा अगर अपने क्लासेस में रेगुलर रहा है, स्टडी में रेगुलर रहा है, तो वो इतना स्कोर ईजीली कर सकता है अगर उसे उस सब्जेक्ट का ज़्यादा फोबिया नहीं है, डर नहीं है। फिर 70-80% जो भी बच्चा थोड़ा सा लेबोरियस है, 80-90% जो भी थोड़ा सा हार्ड वर्कर इंटेलिजेंट जिसे आप कहते हो वो है, 90-95% जो जिनको आप अपनी क्लास का जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स कह सकते हैं, और 95-100 स्टूडेंट्स, ये CBSE की भी कोशिश रहती है कि बस जीनियस जो स्टूडेंट्स, यानी कि एक या दो क्वेश्चन ऐसे। एक्चुअली हो क्या रहा है, 70% का मतलब एवरेज पेपर आपने बना दिया, उसके फिर 4-6 क्वेश्चन आपने थोड़ा टफ कर दिए, 2-3 क्वेश्चन और टफ कर दिए, और 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे कर दिए जो थोड़ा सा बच्चा बिल्कुल वही कर पाए जिसने ज़्यादा एफर्ट्स किए। तो ये कोशिश रहती है CBSE। खैर, अगर हम आपसे बात करें कि CBSE ने जो पेपर दिया है बेसिक, तो इसमें हमारे पास ये जो उन्होंने बताया है, आपके पास ये जो मार्किंग स्कीम दी है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 40 क्वेश्चंस, जो आपके पास बेसिक में है वही स्टैंडर्ड में है, 40 क्वेश्चंस हैं। आपके पास क्या है, 4 ग्रुप्स हैं, ए बी सी डी, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स। तो आपके पास क्या है, सेक्शन ए कंप्राइज ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच, ठीक है, सेक्शन बी ऑफ 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स, सेक्शन सी ऑफ 8 क्वेश्चन 3 मार्क्स, एंड सेक्शन डी 6 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स। ये मेरे पास है। तो मैं आपसे अगर बात करूं सेक्शन ए की, तो आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए में हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये हमारे पास हैं, HCF ऑफ 168 एंड 126 इज़, ये हमारे पास है। तो अगर आपने HCF सॉल्व करना सीखा है, तो HCF आपने दो तरीके से सॉल्व करना सीखा होगा। एक तरह तो डिवीज़न मेथड होता है, आपको सिर्फ निशान लगाना है, ठीक है। तो निशान लगाने का मतलब है कि जिस भी मेथड से आप जल्दी से कर सकते हैं, तो या तो फैक्टर वाला अगर आपके पास आता है, ठीक है, ये मैं दोनों आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये 168 है तो आप फैक्टर्स कर लीजिए। अच्छा, और फैक्टर से भी चलिए मैं आपको तीन मेथड बताता हूँ, है ना, इसको उससे आप एक आइडिया आपको ये भी रहेगा कि MCQs को कैसे अटैम्प्ट करते हैं। तो तीन मेथड हमारे पास क्या है, जो आपने किया है, बहुत ईजीली हम चलते हैं, जो आपने किया है अपनी बुक में कि आपने फैक्टर्स करने सीखे हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा, 2 से आप करेंगे तो 42, 2 से आप करेंगे तो 21, फिर आप 3 से करेंगे, ठीक है, फिर आप 3 से करेंगे तो 7, और ये 7। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 168। यू हैव अनदर नंबर 126, आपके पास एक और नंबर है, फिर आप 2 से करेंगे तो 63, ठीक है, फिर आप 63 को 2 से नहीं कर पाएंगे, 3 से करेंगे तो 3 2 जा 3 1 जा, ये हमारे पास आ जाएगा, फिर आप 3 से करेंगे तो 7, और 7 से करेंगे तो 1। तो ये हमारे पास है। HCF की जब हम बात करते हैं तो हम कॉमन फैक्टर्स लेते हैं, तो कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास ये 2 कॉमन है, ठीक है, फिर और 2 नहीं है इधर, फिर ये 3 कॉमन है, और फिर ये 7 कॉमन है। तो बेसिकली जो HCF हुआ वो हुआ आपका 2 × 3 × 7, ठीक है, तो 2 3 जा 6 7 जा 42, तो आपका जो HCF आ गया वो 42 आ गया। तो एक मेथड तो ये है जिसमें आप क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन से करते हैं। तो आपके पास 21 ऑप्शन था, 42 ऑप्शन था, 14 ऑप्शन था, और 18 ऑप्शन था, तो यू हैव बी ऑप्शंस, आपको सिर्फ मार्क करना है, कोई सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मेथड आपके पास क्या आता है, दूसरा मेथड आपके पास आता है डिवीज़न मेथड, जो आपने सीखा है कि अगर आप 126 से स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर को डिवाइड कर दें, 168, तो आप क्या करेंगे, ये 126 आ जाएगा, तो कैरी क्या आएगा, 862 16 12 42, फिर आपके पास क्या आएगा, 126, तो 146 जो होगा 3 टाइम्स, है ना,
146 अगर आप करेंगे तो 3 2 6 एंड 3 4 12 तो कम्प्लीटली डिविजिबल, तो जिससे डिविजिबल होता है वो आपका HCF होता है। तो एक ये हो सकता है कि 42, ठीक है, तो एक मेथड ये हो सकता है। तीसरा मेथड मैं आपको इजी एक और बता रहा हूँ अगर आप चाहें, क्योंकि मेरा MCQs है। HCF क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर कहते हैं जो डिवाइड करता हो, कॉमन कहते हैं अगर एक से ज़्यादा नंबर में कॉमन हो, हाईएस्ट कहते हैं जो सबसे बड़ा हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं 21, 42, 14, 18, दीज आर अवर नंबर्स। आपको ये देखना है कि क्या ये इनसे डिविजिबल हैं या नहीं, और इनमें कौन सा सबसे बड़ा है। तो अगर आप चेक करेंगे 21 से ये डिविजिबल है। अच्छा, डिविजिबल कैसे देखना है? लास्ट वाले नंबर को देखा करो आप, ये 8 है और ये 1 है, तो 1 से 8 को आप 8 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं 8 से करूँ तो 21 8 जा 168 ही आएगा, तो यस इट इज़ डिविजिबल। और 21 से 126, तो 1 से कितने टाइम्स? 6 टाइम, तो 21 6 जा 120, तो 21 से डिविजिबल। तो इसका मतलब 21 से नीचे की बात करना गलत है। इसका मतलब क्या है कि 21 इज़ अवर कॉमन फैक्टर, ठीक है, और हमें चाहिए हाईएस्ट। तो 21 से नीचे वाले नंबर्स की मुझे ज़रूरत नहीं रही, तो इसका मतलब मेरे पास ये तो आंसर्स हैं ही नहीं। अब सिर्फ ये बचता है कि क्या 42 भी इनका कॉमन फैक्टर है। अगर 42 इनका कॉमन फैक्टर है तो 2 से 8 को सिर्फ लास्ट वाला देख लीजिए, 4 टाइम्स जा रहा है। तो अगर 4 से करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, तो यस 42 से भी डिविजिबल है। और अगर इसको करेंगे तो 3 से कर दीजिए तो यस 126, तो 42 से भी, तो ये भी डिविजिबल, इससे भी डिविजिबल, तो हाईएस्ट कौन सा ही है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास डिपेंड करेगा कि आपको कैसे समझ में आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं आपसे, कह रहा है एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज। तो ये हमारे पास एक होता है, ठीक है, तो आपके पास जो मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला है सिर्फ आपको उसको बताना है। तो ये अच्छा है कि अगर हमारे पास इस तरह का कुछ क्वेश्चन आ जाए जिसमें सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड हो तो आप आसानी से उसे कर सकते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है ये, इन द गिवन फिगर इफ टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स टू ए सर्किल विद सेंटर ओ, सो वन एंगल पी ओ क्यू। अगर आपसे ये कह रहा है, ठीक है, 110, तो ये ऑटोमेटिकली आपको पता है ये 90 होते हैं और ये भी आपके पास 90 होता है, ये 110 है तो ये आपके पास 70 हो जाएगा, दैट्स इट। फिर आपके पास क्या है, 325 कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। तो यहाँ हमारे पास क्या कह रहा है, 325 को आपको प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना है। अगेन आप देख सकते हैं अगर फैक्टर्स में आपको करना है तो प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में अगर आपको करना होता है तो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, लाइक दिस 17 ये मेरे पास है। तो 2 से तो डिविजिबल नहीं हो रहा है, 3 से वो नंबर डिविजिबल होता है जिनका सम 3 से डिविजिबल, 3, 2, 5, 5, 5, 10, तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 325 जो होगा वो 3 से भी, तो 5 आ रहा है, 5 से डिविजिबल हो सकता है। तो अगर 5 से करेंगे तो 5, 6, 5, 5, अगेन 5 से हो रहा है, तो यही हमारे फैक्टर्स हैं। 5 square into 13, तो 5 square into 13 इज 10। आपसे क्या कह रहा है कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ब्लैक क्वीन इज। तो आपके पास अगर आपको पता है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52, अगर 52 से कर रहे हो तो टोटल तो आपके पास 52 ही होंगे। आपको कौन सा कार्ड चाहिए? दैट इट इज़ ए ब्लैक क्वीन। अब आपके पास क्या होता है, कार्ड्स दो तरह के होते हैं, रेड और ब्लैक। रेड में भी दो क्वीन होंगे और ब्लैक में भी दो। तो हम अगर आप ब्लैक क्वीन की बात करें तो दो क्वींस की आप बात कर रहे हो, तो 2 by 52 का मतलब 1 by 26, ये आपके पास ऑप्शन। फिर आपसे क्या कह रहा है, द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स 2x² - 8x + 6। आपको पता है अगर सम ऑफ जीरोज की बात करता है तो हमें मालूम है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है -b/a, और माइनस बी यहाँ पे 8 है और a यहाँ पे 2 है, तो 8/2 = 4 क्योंकि ये प्लस हो जाए। तो वेयर इज अवर 4? 4 इज हियर। फिर आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर आप ये कह रहे हो कि इरेशनल नंबर, अब हमारे पास तीन तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं अगर आपने देखा हो, एक होता है रैशनल का और एक होता है इरेशनल का। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको साथ साथ टॉपिक भी डिस्कस करता चलूँ जिससे कि आपको बता रहे। तो रैशनल में अगर हम बात करते हैं, एक नंबर तो ऐसा होगा, ये मेरा रैशनल नंबर है, और एक नंबर हमारे पास ऐसा होगा, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर ऐसा है तो उसका डेसिमल ऐसे आता है, और अगर उसका
ऐसा है तो इसका ऐसे आएगा, और समटाइम आपके पास ऐसा भी रैशनल नंबर होता है तो उसका डेसिमल ऐसे आता है। तो दो तरह के रैशनल नंबर्स में दो तरह के डेसिमल्स होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। तो ये रैशनल है, लेकिन आपसे कह रहा है इरेशनल, तो इरेशनल का डेसिमल सिर्फ एक ही तरह का होता है जो टर्मिनेट नहीं होता है, ठीक है, और रिपीट भी नहीं होता है, कुछ भी लिखते चले जाइए। तो आप देख लीजिए, अगर इरेशनल नंबर्स है तो इट शुड बी, ये तो टर्मिनेटिंग है, इट इज़ रैशनल, इट इज़ टर्मिनेट, इट इज़ रिपीटिंग, इट इज़ रैशनल, इट इज़ टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेट हो चुका, इट इज़ रैशनल। तो ओनली दिस नंबर हियर इज 01, देन 001, देन 0001, इट इज़ नॉट रिपीटिंग, ध्यान रखिएगा, हर बार चेंज हो रहा है, फर्स्ट एक बार 01 आया, वन टाइम आया, फिर 2 पॉइंट, तो ये हमारा इरेशनल नंबर्स का डेसिमल है। फिर आपसे क्या कह रहा है, ये हमारे पास द फॉलोइंग फिगर शोज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू पी एक्स, वेयर पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल इन ए वेरिएबल x, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज। एक्चुअली क्या होता है, अगर आपके पास ग्राफ है तो x एक्सिस को जितनी जगह वो काटता है उसके वो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, तो यहाँ आपके कट कर रहा है, यहाँ आपके पास कट कर रहा है, यहाँ आपके पास कट कर रहा है, तो हाउ मेनी जीरोज भी है, 3। एक्चुअली होता क्या है, जहाँ पे y ज़ीरो है, वाई हम कहते हैं पी एक्स को, तो जहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल ज़ीरो होगा यानी कि y ज़ीरो होगा, और y सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पे ज़ीरो होता है, ऑन x एक्सिस y इज़ ज़ीरो, ऑन y एक्सिस x ज़ीरो, तो x ज़ीरो की बात नहीं कर रहा, y ज़ीरो, तो वी हैव 3 ज़ीरोज। फिर आपसे क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, जब आप ओरिजिन की बात कर रहे हो तो ओरिजिन के लिए पॉइंट हो गया 0 0, और डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 9, ये आएगा 16, 25 का अंडर रूट आएगा 5, तो विच वन, दिस इज अवर आंसर। फिर आपसे क्या कह रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है तो आपको मिड पॉइंट पता होगा, मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है, अगर आपके पास एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला सिंपल होता है x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2, ये हमारे पास होता है। तो आपके पास क्या है, माइनस 5 प्लस माइनस 1 बाई 2, और दूसरा आपके पास क्या है, 7 प्लस 3 बाई 2, तो ये आपका मिड पॉइंट है। तो 5 1 6, 6 बाई 2 इज 3, माइनस में आएगा 10 बाई 2 इज 5, तो माइनस 3 5 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, तो माइनस 3 5 कौन सा ऑप्शन है, ये हमारे पास ऑप्शन है। फिर आपके पास क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए 05150 इंटरनली इन द रेशो 2:3। सिंपल सी बात है, हमारे पास एक पॉइंट है 05 हमारे पास एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 50। आपसे क्या कह रहा है, एक पॉइंट ले लीजिए जो इसको 2:3 की रेशो में डिवाइड करता हो। तो अगर आपके पास पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स गिवन है, रेशो गिवन है, तो पॉइंट निकाल सकते हैं। होता क्या है, 2:5 m1x2, तो 2:5 10 हो जाएगा, प्लस m2x1 3:0 हो जाएगा, अपॉन 2+3, ये आपके पास आएगा। फिर आपके पास आएगा m1y2, 2:0 तो 0 हो जाएगा, एंड 3:5 15 हो जाएगा, अपॉन 2+3, तो 10/5 2 एंड 15/5 3, तो कोऑर्डिनेट्स आर 2:3, तो वेयर आर 2:3, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना था, तो जो रेशो है वही आ रहा है ना, 2:3। तो ये पास है। तो आपके पास क्या है, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, स्टैंडर्ड वाले में भी यही हुआ है कि फर्स्ट 10 क्वेश्चन MCQs हैं, तो आप टिक कर सकते हैं, लेकिन लास्ट के जो 10 हैं उनमें फिल इन द ब्लैंक्स है, तो उसमें आपको सॉल्व करना ही होगा। वहाँ पे आप ऑप्शन मतलब रैंडमली नहीं मार सकते कि नहीं ABCD कुछ भी लगा दीजिए, यहाँ पे आपको कुछ लिखना होगा। फिर आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, द पेयर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस विल बी पैरेलल इफ वैल्यू ऑफ के। आपको मालूम होना चाहिए अगर लाइंस पैरेलल हैं, देखो आपके पास लाइंस क्या हैं, 2x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x प्लस के वाई प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। लाइंस पैरेलल होती हैं अगर आपके पास जो है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल हो जाए और c1 अपॉन c2 इक्वल ना हो, ये हमारे पास होता है, ठीक है। तो ये होता है, एक्चुअली यूनिक सोल्यूशन होता है नॉट के लिए, फिर आपके पास नो सॉल्यूशन होता है इसके लिए, और मैनी सॉल्यूशन होता है तीनों इक्वल हो जाए। तो आपके पास आंसर ये है, यानी कि 2/4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास 1 है तो 1 अपॉन के, तो ये 2 2 जा 4, तो 2 इधर के इधर, तो के इज इक्वल्स टू 2 के लिए हमारा पैरेलल लाइंस हो जाएगा, तो के इज 2। फिर आपके पास क्या कह रहा है, आपके पास कह रहा है, अच्छा इसमें देखिए ऑप्शंस भी दिया है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x2 - 2x + k = 0
has equal roots, then value of k. Equal roots होता है when d is equals to 0. अगर d हमारा 0 है, तो d हमारा क्या है? b square minus 2 का square minus 4ac is equals to 0. Because a हमारा 1 है, c हमारा k है. तो 4k उधर चला जाएगा, तो 4 is equals to 4k और simply k is equals to 1. तो इस question का answer 1 आ जाए. फिर आप देखिए हमारे पास क्या है, question number 13. The value of sin 60 cos 30 sin 30 cos 60. आप सीधा सीधा सा options में यहीं पे ही आप कर सकते हैं. Sin 60 होता है root 3 by 2, cos 30 भी root 3 by 2 होता है, sin 30 1 by 2 होता है, cos 60 भी 1 by 2 होता है. तो ये हो जाएगा 3 by 4, ये हो जाएगा 1 by 4, 3 by 4 plus 1 by 4, 4 by 4 होता है, 4 by 4 1 होता है. तो the value of this is 1. फिर आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है the value of cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90 is. देखो एक छोटा सा सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको वैल्यूज नहीं निकालनी है. एक्चुअली आपको ध्यान रखना है cos 0 1 होता है बट cos 90 0 होता है. अगर आप किसी से भी 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर इज 0. तो नो नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. एक्चुअली आपसे क्या कह रहा है हमारे पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15. The sides of two similar triangles are in the ratio 2 is to 3, then the areas of these triangles. Actually, जो area होता है similar triangle का, area of triangle 1 upon area of triangle 2, वो sides के square की ratio में होता है. तो अगर आपके पास sides का ratio 2 by 3 है, तो उनका square कर दीजिए. तो आपके पास हो जाएगा 4 by 9. तो ratio is 4 is to 9. Question number 16 to 20 आपसे कह रहा है, answer the following. ठीक है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स की शक्ल है, यहाँ आपसे वैल्यूज निकलवा रहा है. तो आपसे क्या कह रहा है, वही मतलब सिंपल सिंपल से आपको करनी है. द ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल आइसोसेलस ट्राइंगल. अगर आप राइट एंगल आइसोसेलस ट्राइंगल की बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हाइपोटेनस तो इक्वल होने से रहा, तो ये आपके पास इक्वल है एट आर. ये हमारे पास आर हो गया, पी क्यू आर की बात कर रहा है तो पी क्यू कहीं भी ले सकते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी. अब जैसे ही आपसे कहा आइसोसेलस, तो ये 90 और ये इक्वल, तो ये भी इक्वल, अगर ये इक्वल तो ईच 45 डिग्री. तो आपसे कह रहा है साइन पी, तो इस मीन साइन 45 इज़ 1 बाई रूट 2, दैट्स इट. आपसे क्या कह रहा है, कॉट ए इज 15, कॉट ए इज 8, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस के. अब अगर आपके पास चॉइस है, ठीक है, एक तो ये भी आप कर सकते हैं कि कॉट ए जो होगा वो 8 बाई 15 हो जाएगा. ठीक है, 8 बाई 15 हो जाएगा, तो कॉट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आप निकालेंगे हाइपोटेनस. हाइपोटेनस हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 64, 22, 25, 289. तो हाइपोटेनस का स्क्वायर 289, तो हाइपोटेनस इज 17. अगर हाइपोटेनस 17 है तो कोसेक जो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. तो हाइपोटेनस हो गया 17 और परपेंडिकुलर आपका हो गया 15. तो एक तो आंसर ये है. प्लीज़ इधर देखिए आप सब बच्चे दोबारा से, क्योंकि मैं यही कहता हूँ कि जब आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड हो जाती है तो इट डिपेंड्स आप उसको कैसे करते हैं, और दोनों चीज़ें सही हो सकती हैं. जैसे इस क्वेश्चन में अगर ये कह रहा है, प्लीज़ ज़रा देखिए, और स्पेशली अगर एमसीक्यूज की बात करेंगे तो यही हमारा अप्रोच रहना चाहिए. आपको यहाँ से इतना तो पता चल ही रहा है कि कॉट ए जो है बेटे जी वो 8 बाई 15 है. ठीक है, लेकिन क्या आपको कॉट में और कॉसक में रिश्तेदारी पता है? आपको मालूम होना चाहिए कि ये दोनों रिश्तेदार हैं, लेकिन स्क्वायर्स में. कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है. क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर. तो क्या आप लिख सकते हो कि 1 प्लस कॉट हमारा ये है 8 बाई 15, इसका स्क्वायर हो जाएगा बेटे 64 अपॉन 225. तो 225 प्लस 64 289 अपॉन 225. बट आपको स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको सिर्फ कॉसेक ए चाहिए. तो व्हाट इज कॉसेक ए, तो इसका अंडर रूट और इसका भी अंडर रूट. तो दैट इज़ योर आंसर 17/15 जो हमने पहले किया था. आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है ये हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल इज 38.5 देन द फाइंड इट्स डायमीटर. एक्चुअली अगर क्वाड्रेंट की आप बात करते हो, ये आपके पास सर्कल है और आप क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, तो 1/4 होता है. तो 1/4 पाई इज गिवन 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 38.5. ये हमारे पास, तो यहाँ से आप r निकाल सकते हैं. तो r स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 38.5 इंटू 4 इंटू 7 अपॉन 22. 22 करेंगे बेटे तो 2 से ये आएगा, 2 से ये 11 आएगा,
11 से आप करेंगे तो 11 थ्री जा आ जाएगा, ठीक है, 33, फिर आपके पास कितना हो गया 5, 11 फाइव जा 55, ये आपके पास हो गया। प्लीज़ ज़रा ध्यान से देख लीजिए हमारे पास बच क्या आ रहा है, उसी तरह 3.5 बच रहा है, मैं इसको 7/2 लिख रहा हूँ, आपके पास 2 बच रहा है और आपके पास 7 बच रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बेसिकली 7 का स्क्वायर बच रहा है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर, तो आर इज 7, मुझे डायमीटर चाहिए था तो डायमीटर इज माई 14, ये मेरा आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और करिए, आपके पास क्या है बेटे, ए डिस्क इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। जब आपके पास डाइस की बात करता है तो वी हैव 6 डिफरेंट नंबर्स, ठीक है, ऑन वन थ्रो, तो आपके पास टोटल आउटकम्स हो गए 6, बट आपको क्या चाहिए, प्राइम नंबर चाहिए। अब यहाँ पे बस कन्फ्यूजन जो सब बच्चों को होता है, हम 1 को प्राइम कंसीडर कर लेते हैं, बट 1 इज़ नॉट ए प्राइम, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 की जो प्रॉपर्टी है पूरी अल्लाह वाली है, भगवान वाली, गॉड वाली, वो अकेला है, वो किसी का नहीं है, ठीक है, तो वो वाली बात हो रही है कि मतलब प्राइम और कंपोजिट की कैटेगरी में आप उसे नहीं रख सकते। तो हमारे पास क्या है, प्राइम की बात कर रहे हैं 2, 3 एंड 5, ठीक है, ये हमारे पास, तो ये तो 3/6 इज 1/2, ये हमारे पास, ओके। फिर हमारे पास क्या है, 19 की अगर हम बात करें, हाँ ध्यान रखना, 1 इज़ लाइक गॉड एवरीवेयर इट इज, ठीक है, 0 के साथ भी मिलेगा आपको, राक्षस भी उसको मानते हैं, शैतान भी उसको मानता है, इंसान ही बस थोड़ा सा समझने में देर कर रहा है। इन द गिवन फिगर इफ डी इज पैरेलल टू बी सी देन फाइंड ई सी, ठीक है, तो ये आपकी एनसीईआरटी का एज इट इज़ क्वेश्चन है, और मोस्टली जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनसीईआरटी से आ रहे हैं, तो आपको पता है अगर लाइन पैरेलल तो रेशो सेम होगा, तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं 1.5/3 इज इक्वल्स टू 1/EC, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटे 2, ये इधर ये इधर, तो EC इज इक्वल्स टू 2, ये आंसर। देखिए एक वन मोर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP हुज फर्स्ट टर्म इज 12 एंड द फिफ्थ टर्म इज 0, ठीक है। अब हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में मैं आपसे कहता हूँ कि मेंशन कर लिया हुज फर्स्ट टर्म, तो A दिया हुआ है 12 और आपसे कह रहा है फिफ्थ टर्म इज 0। अब फिफ्थ टर्म होता क्या है, फिफ्थ टर्म होता है A+4D, तो A कितना दिया हुआ है 12, तो 12+4D इज इक्वल्स टू 0, तो 4D इज इक्वल्स टू -12, तो D इज इक्वल्स टू -3, तो ये आपके पास। आप बेटा चेक कर सकते हैं, बताने में भी टाइम लगा है एक्चुअली, जो पेपर का जो पैटर्न अब चेंज हुआ है, ठीक है, वो कुछ मायने में अच्छा भी है और कुछ मायने में बुरा भी है। एक तो ये है कि 40 क्वेश्चंस हो गए हैं, तो लेंथ जो है हमारे पेपर की बढ़ गई है, समटाइम एक ही क्वेश्चन में हमें ज़्यादा स्टेप्स लेने पड़ते हैं, चाहे वो 1 मार्क्स का ही क्यों ना, तो अगर वैसे सोचेंगे तो प्रेशर आएगा कि हम 40 क्वेश्चन करने, टाइम क्योंकि उतना ही है जितना पहले था, पहले 3 आवर्स में 30 क्वेश्चन होते थे, अब 3 आवर्स में 40 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये भी कि अब आपके 20 क्वेश्चन आपने अगर कर लिए, आप अपना टाइम चेक करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर थोड़ा सा भी बच्चे को अच्छी कमांड है तो 10 से 15 मिनट्स में ये क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपके पास टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि अब बाकी जो क्वेश्चन है 2 घंटे 40 मिनट में आपके पास, या 2 घंटे 45 मिनट में, आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन करने के लिए रह गए, तो ये आपके पास एक अच्छा मौका और 20 नंबर आपके सेव हो गए, तो अच्छा भी है बुरा भी है। बुरा इसमें यह है कि बेटे अगर कोई से भी जिसके बच्चे को शौक है कि मुझे 100 लाने, और उसका कोई भी एक या 2 क्वेश्चन अगर अटक गया जिससे, क्योंकि ये कुछ भी पूछ सकता है, तो फिर उसके 100 लाने मुश्किल हो जाएंगे। चलिए तो ये हमारा आज 1 मार्क्स का था, नेक्स्ट वीडियो में हम 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स का डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।